ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, पेपर टू से है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। इसमें क्वेश्चंस में बोला जा रहा है कि एक सर्कल गिवन है जिसका सीक्वेशंस इस तरह से है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक सर्कल का फिगर बनाया हमने, एक गिवन सर्कल है जिसका इक्वेशंस गिवन है। इक्वेशंस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसे हम लोग एक्स वन बोल देते हैं। तो इसका सेंटर 0 0, इस सर्कल का सेंटर 0 0 होगा और रेडियस आर गिवेन है, रेडियस आर होगा। अब कह रहा है कि देयर इज ए सर्कल पी क्यू इज ए कोड ऑफ दिस सर्कल, तो इसी सर्कल पे पी क्यू एक कोड होगा। तो पी और क्यू एक पॉइंट कंसिडर कर रहा है, इसे दोनों पॉइंट से पास करने वाला एक लाइन लेते हैं जो पी क्यू एक कोड होता है, एक कोड हो गया। अब इस कोड में बोला जा रहा है क्या, कोड ऑफ ए सर्कल एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पी एंड क्यू इज, इस इक्वेशन दिया गया है 2x + 4y इज इक्वल टू 5। इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रेंगल ओ पी क्यू, तो डेट इज दिस पॉइंट इज पी एंड क्यू और ओ इज द सेंटर। तब तीन पॉइंट से पास करने वाले के अनदर सर्कल होगा जो कि वो पॉइंट पी पॉइंट और क्यू पॉइंट से पास करने वाले एक सर्कल हम ड्रॉ किया। इसे पी पॉइंट पास नहीं कर रहा है, अब यहाँ पर से हमने मैच करवाया इसे। ऐसा इसे पी पॉइंट लिया, इसे क्यू पॉइंट लिया, ये लाइन ड्रॉ हो गया। अब इस लाइन का इक्वेशन गिवन है, इस सर्कल को हम एस टू बोलते हैं। अब कह रहा है कि सर्कल का सेंटर जो है, इस सर्कल का सेंटर इस लाइन के पैरेलल ही, इसका भी इक्वेशन गिवन है। तो सर्कल का सेंटर हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसका भी इक्वेशन हमें पता है, क्योंकि इसका इक्वेशन है एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 4, जो इस लाइन का पैरेलल है। इस सर्कल का सेंटर हमें एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 4 पे हो रहा। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल एस टू, एस वन प्लस लेमडा एल वन, एस वन प्लस लेमडा एल, एस वन प्लस लेमडा एल वन इक्वल टू 0, इसे एल वन बोलते हैं। एल वन ये सर्कल जो है, पहला सर्कल एस वन और इस एल से इंटरसेक्शन से पास कर रहा है एस टू, तो एस टू का इक्वेशन से मिल जाएगा। तो एस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू एल, एल के जगह पर लिख सकते हैं 2x + 4y माइनस 5 = 0। ये हमें रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन मिल गया। डेट इज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 λx + 4λy माइनस 5λ माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस सर्कल का सेंटर जो मिल रहा है, सेंटर माइनस लेमडा कॉमा माइनस 2λ और रेडियस रेडियस इक्वल टू रूट अंडर ऑफ लेमडा स्क्वायर प्लस 4λ² और दिस इज माइनस प्लस 5λ और प्लस आर स्क्वायर, ये रेडियस मिल गया हमें। तो इस सर्कल का सेंटर, सेंटर पासेस थ्रू द पॉइंट, पासेस थ्रू द पॉइंट, पासेस थ्रू सर्कल का, इस सर्कल का सेंटर जो है एक्स प्लस टू बाई इक्वल टू 4 से पास कर रहा है। तो एक्स प्लस टू बाई प्लस 4 को सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स प्लस टू बाई, तो एक्स की जगह पर लेमडा माइनस लेमडा पुट कर देंगे, वाई की जगह पर माइनस 2λ प्लस 2 बाई माइनस 2λ इक्वल टू 4, तो डेट इज द माइनस लेमडा माइनस 4λ इज इक्वल टू 4 हो रहा है। तो ये लेमडा इज इक्वल टू माइनस 4/5 आ गया, लेमडा की वैल्यू हमें मिल गया माइनस 4/5। अब लेमडा की वैल्यू मिल गया, तो अब रेडियस हमारे पास कितना हो रहा है, दिस इज द,
ये सर्कल जो पास कर रहा है, ये सर्कल का सेंटर 0 0 है, एस वन का सेंटर 0 0 है, और सर्कल एस वन पॉइंट से पास करता है, इसलिए सर्कल जो है एस वो 0 0 को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 0 को सेटिस्फाई करेगा तो -5λ - r² = 0। तो लेमडा की तो वैल्यू मिल गया, r² = लिख सकते हैं -5λ, दैट इज़ अ -5λ - 4/5, तो 5 5 कट जाएगा, दिस इज 4, तो r² = 4, तो r = ±2, बट हेयर r < √2 और r पॉजिटिव होता है, इसलिए r की वैल्यू 2 हो जाएगा, तो रेडियस 2 मिल गया, रेडियस r = 2 हो जाएगा।